भैया एक पूरा कितना मटन है ये? मटन 40 किलो है। क्या भैया मतलब? ये 200 का है भैया। कितने पीस होता है? 5-7 पीस हो जाता है। 7 पीस मतलब एक ही आदमी लेता है कि दो आदमी लेता है? एक आदमी तो नहीं खा पाएंगे, कम से कम दो आदमी ले लेते हैं। दो आदमी खा पाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ का मटन कैसा है भैया? बहुत अच्छा है भैया। अभी कितने जब खा रहे मटन यहाँ से? तो 2 साल हो गया। डेली खाते हैं? रोज खाते हैं मटन। कैसा लगता है? घर से लगता है कि नहीं? एकदम घर जैसे लगता है। यहाँ का मटन बार आइए खा के देखिए। सर 9 बजे शाम 5 बजे तक रहता है। उससे पहले 3:30 बजे तक, 4 बजे तक, 2:30 बजे खत्म हो जाता है। मटन आया क्या जी? 70 रुपये पीस है। अच्छा, अपने कार से देख रहे हैं। 70 रुपया लेते तो वो साइज भी देते हम लोग 70 रुपया वाला। अच्छा, मतलब एक किलो में कितना पीस होता होगा? 7-8 पीस होता है। आज हम आ गए पटना के सबसे बेस्ट मटन दुकान पे। यहाँ लगभग पर डे 70-80 किलो मटन बनता है और 1-2 घंटा पूरा मटन यहाँ पूरा बिक जाता है। अच्छा, चावल साथ खाइएगा इसका? 170 दो पीस कलेजी और चावल 170। अच्छा, कलेजी मतलब कितना ग्राम होता है इसको? मतलब मिनिमम 80-90 ग्राम से कम नहीं रहता है। देखना कितना बड़ा बड़ा कलेजी है। तो पटना का लोकल तो ये करते हैं, मुंबई बहुत लोग दूर से आते हैं। इधर हो गया आरा, अरवल, परवल, जहाँ से। कितना ग्राम का मटन का पीस है ये? 80 ग्राम का रहता है। 80 ग्राम? 80 ग्राम का रहता है ये मटन जी। देखना 80 ग्राम का एक पीस रहता है। 80 ग्राम का जी। मटन में कौन पीस बेस्ट होता है सबसे? सबसे बेस्ट होता है नली चाप। देखिए चाप हो गया, ये चाप है। ये चाप है जी, चाप का पीस है। देख चाप है ना जी। नली कौन होता है? करेली। करेली होता है। करेली क्या कहलाता है? करेली यानी खस्सी का नली का जो पार्ट रहता है नीचे ऊपर सर वहाँ रहता है। देखिए करेली नली में सेट रहता है करेली। ये भी बढ़िया पीस है। ये भी बढ़िया मुलायम पीस हुआ करेली गुदा वाला। अच्छा, गुदा वाला पीस होता है जी। ये देखिए ये हो गया नली का पीस। ये नली का पीस है जी। ये नली का पीस है। यही पीस सबसे ज्यादा आदमी को पसंद पड़ता है। देख डिमांड होता है नली का पीस। लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं यहाँ पर जी। तो हमको लोकेशन का बता देते, देख लिए लोकेशन आपको चल जाएगा। इको पार्क से चल जाएगा आपको। ये देख लगे आ गया आपको विधानसभा है। देख लिया पूरा विधानसभा है। जस्ट के बगल में यहाँ पर मटन मिलता है। देखिए बोलिए हम पूरा समझ गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया भाई। देखिए यहाँ पर तेज पत्ता भाई। ये देखिए बाबा साहब भगवाना में यहाँ पर मटन बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर तेज पत्ता आ गया। ये आ गया भाई यहाँ पर सूखा मिर्च। थोड़ा देखिए लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है भाई। गाय का भी सुबह सुबह 6 बज रहा है। 6 बजे मटन बनाया जा रहा है। ये आ गया जी, आ गया भाई लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ। तो ये देखिए आ गया भाई हल्दी यहाँ पर। ये भाई आ गया यहाँ पर मटन। क्या ये देखिए प्याज आ गया भाई। कितना प्याज अभी है ये? 35 किलो। ये देखिए भाई पूरा 35 किलो प्याज है। समझ सकते हैं भाई कितना मटन बनाया जा रहा है। ये देखिए भाई कितना क्वांटिटी में पूरा प्याज आ गया भाई। ये देखिए क्या कमा सकती है भैया? जाफर है ये यहाँ पर। ये देखिए प्याज और मटन यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर दिया जाएगा। ये देखिए मटन हवा है मिक्स कर दिया जाएगा ना पेस्ट। आपको 5 केजी हो गया, 3 केजी इसमें डलाया। हाँ, 1 केजी इसमें डाल दिए। अच्छा, तो यहाँ पर हल्के प्याज डलाएगा मसाला में, बाकी प्याज तो डाल दिए। हाँ हाँ। अच्छा भाई ये बोल रहे हैं कि आप लोग मटन अलग बना रहे हैं, मसाला अलग बना रहे हैं, क्यों ऐसा? क्यों? अपना अपना तरीका होता है बनाने की। हम उसमें नहीं डायरेक्ट बनाते, हमको चलाने में दिक्कत होगा। 1-2 किलो तो बनने 40-50 किलो मटन बनता है। क्या कुछ स्वादों में कुछ रहता है क्या? सर डिपेंड, बहुत डिपेंड करता है। क्या? बहुत डिपेंड करता है। अपना अपना बनाने का तरीका है। जितना बढ़िया बनाइए उतना बढ़िया लगेगा। ऐसा कुछ स्वाद बढ़ता होगा ना? स्वाद कहीं नहीं बढ़ेगा बनाने को। करें यहाँ पर ये देखिए हल्दी डाल के भाई। देखिए कितना कितना भी हल्दी डाल रहा है? 1 केजी हल्दी डाल। 1 केजी और देखिए 1 केजी भाई हल्दी यहाँ पर डाल दिया गया है। क्या बात है भाई। ये देखिए आपका जीरा पाउडर कितना डाली हुआ, कितना होगा ये सब? जीरा पाउडर 1 किलो, गोल्ड पाउडर 1/2 किलो डाला। अच्छा, देखिए सब डाल देते हैं। 1 किलो रखा बसिया। अच्छा, टोल पर नहीं डालते हैं जाते हैं तराजू पर हाथे मान लीजिए। ये भाई यहाँ पर सब कुछ 1-1 केजी बनाया जाए डाला जा रहा है मसाला में, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया गया है। क्या यह मिर्चा पाउडर? तो यहाँ पर ये देख लीजिए भाई लहसुन खड़ा है पेस्ट। यहाँ पर खड़ा लहसुन डाल दिया गया। जिसको लहसुन पसंद है लहसुन ले सकता है, बीजू भी ले सकता है। यहाँ पर देखिए गर्म मसाला डाला जा रहा है। थोड़ा भापी मर रहा है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी ये है मीट मसाला इंडिया। अच्छा, ये देखिए भाई मीट मसाला इंडिया यहाँ पर आ गया।
यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई, हम लोग फाइनली यहाँ पर मटन बनकर रेडी हो चुका है। ये देख कितना क्वांटिटी में यहाँ पर।